गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कोमल पुरोहित। मैं मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप हैक्स, हेयर स्टाइल्स, इन सब टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ। तो अगर आपको इन सब टॉपिक में इंटरेस्ट है तो प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और नीचे दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन उसी के थ्रू मिलेगी। गाइज, आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक। इसे आप स्मज्ड काजल मेकअप लुक भी कह सकते हैं या स्मोकी काजल मेकअप लुक भी कह सकते हैं। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा आई मेकअप्स नहीं आते हैं देन आप ये वाला जो मेकअप लुक है आराम से क्रिएट कर सकते हो। बहुत ईजी है, 5 से 10 मिनट लगेगा आपको इस लुक को क्रिएट करने में एंड बहुत सुंदर भी लगता है। कोई भी इंडियन आउटफिट्स पे चला जाता है, जैसे कि मैंने अनारकली पहना है एंड इस पर भी बहुत सुंदर लग रहा है। सो येस, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ना मेरा CTM कर दिया है। मैंने क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, जो कि मेरा स्किन केयर रहता है, उसे अच्छे से कर दिया है। एंड अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं यूज़ में ले रही हूँ लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर, क्योंकि मैं यहाँ पे नो फाउंडेशन लुक क्रिएट करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे कंसीलर ही यूज़ में लूँगी और कॉम्पैक्ट यूज़ में लूँगी, फाउंडेशन मैं यहाँ पे यूज़ में नहीं लेने वाली हूँ। तो ये वाला जो प्राइमर है ना, थोड़ा सा टिंट देगा मेरी स्किन को, तो इसलिए मैं ये वाला यूज़ में ले रही हूँ। थोड़ा सा ये जो प्राइमर है ना टिंटेड है, इसलिए मैं ये वाला प्राइमर यूज में ले रही हूँ। मैंने प्राइमर यूज़ में ले लिया है एंड प्राइमर यूज़ में लेने के बाद आप देख सकते हो इंस्टेंट मेरे फेस पे ना टिंट मिल गया है, जहाँ मैंने प्राइमर लगाया है। एंड अब यहाँ पे मैं यूज़ में लूँगी कंसीलर, जो कि है लॉरेल पेरिस का इन्फेलेबल फुलवेयर कंसीलर। बहुत अच्छा कंसीलर है, बहुत अच्छे से कवरेज देता है, डार्क सर्कल्स है या डार्क स्पॉट्स है तो बहुत अच्छे से कवर कर देगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ में ले रही हूँ ये कंसीलर। नो फाउंडेशन लुक क्रिएट करना है इसलिए मैं कंसीलर से ही जहाँ मुझे लग रहा है मेरी पिगमेंटेशन है वो हाइड करने वाली हूँ एंड फाउंडेशन नहीं लगाने वाली हूँ। थोड़ा सा मैं आईलिड्स पे भी लगा रही हूँ क्योंकि स्मज काजल लुक करने वाले हैं तो जो काजल है ना वो भी थोड़ा ब्राइट दिखेगा। जहाँ पर आपकी पिगमेंटेशन है एंड जहाँ आपको लगता है कि आपको वो चीज़ हाइड करनी है तो वहीं पे मैं कंसीलर लगा रही हूँ। जैसे कि मेरे डार्क स्पॉट्स हैं, हल्के हल्के हैं, यहाँ पे मैंने लगाया है थोड़ा, ये लिप्स के पास में मैंने लगाया, यहाँ पे अनइवन स्किन है एंड ये नोज के पास में थोड़ा बस। मैं यहाँ पे ब्रश यूज में ले रही हूँ ब्लेंडिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कंसीलर लगा दिया है एंड आप देख सकते हो मेरे जो डार्क सर्कल है वो हाइड हो गए हैं, डार्क स्पॉट्स वगैरह बहुत अच्छे से हाइड कर लिया इस कंसीलर ने। तो अगर आप बिगनर्स है, कोई कंसीलर परचेस करना चाहते हो, कंफ्यूज्ड हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये वाला कंसीलर आप डेफिनेटली परचेस करिए, बहुत अच्छी कवरेज देता है। मैं यहाँ पे नो फाउंडेशन मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ तो मैं ओनली कॉम्पैक्ट की हेल्प से ही मेरे बेस को, जो मैंने कंसीलर लगाया उसे सेट करूंगी और हल्का फुल्का मेरा बेस क्रिएट करने वाली हूँ। हल्का हल्का मैं ऑल ओवर फेस पे भी लगा रही हूँ। यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर लगा दिया है एंड अब मैं यहाँ पे यूज में लूंगी ब्लश। मैं यहाँ पे कोई भी कॉन्टोर नहीं लगाने वाली हूँ। मैं ब्लश के लिए यहाँ पे यूज में लेने वाली हूँ ये स्टिक ब्लश, जो कि मैंने जूरियो से परचेज किया था एंड मैंने ओनली पे किया है 99 रुपीज। बहुत अफोर्डेबल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। मैंने मतलब मेरे ट्रांजिशन वीडियो में 2-3 वीडियोस में मैंने इस ब्लश को यूज में लिया है। बहुत अच्छा क्रीम ब्लश है, बहुत अच्छा टिंट देता है एंड इसके साथ में है ना मैंने कुछ लिक्विड लिपस्टिक्स भी परचेज की थी, जो कि मैं और भी कोई वीडियोज में जब यूज में लूंगी तो आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना अच्छा पीच पिंक कलर है एंड बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा स्किन को। ये मैंने 4-5 बार यूज में लिया है मेरे ट्रांजिशन वीडियोस में एंड मैं अब स्पंज की हेल्प से इसको स्प्रेड करूंगी। ब्लश लगा दिया है एंड आप देख सकते हो एकदम न्यूड सा पीच पिंक कलर का जो टिंट होता है ना वो लग रहा है एंड इसमें बहुत सारे शेड्स थे, तो आप अपने लोकल जूडियो स्टोर में जाकर परचेज कर सकते हो जो भी आपको पसंद आए वो, एंड ओनली 99 रुपीज मैंने पे किए इसके लिए। अब मैं आईब्रोज को सेट करूंगी, जिसके लिए मैं यूज में ले रही हूँ लॉरेल पेरिस का ये ब्रो किट एंड ब्रश की हेल्प से मैं सेट करने वाली हूँ, बनाने वाली हूँ।
फ्रेंड्स, मैंने मेरी आईब्रोज अच्छे से बना दी है, फिलअप कर दी है एंड अब बारी आती है स्मज काजल लुक क्रिएट करने की, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ में ले रही हूँ काजल जो कि कलबार का काजल है। एंड अब आपको क्या करना है, नॉर्मल आप आईलाइनर कैसे लगाते हो वैसे ही आपको आईलिड्स के ऊपर एक लाइन क्रिएट करनी है। सो गाइज, इस तरह से पहले आपको काजल की हेल्प से ना एक लाइन क्रिएट कर देनी है। एंड अब हम करेंगे इसे स्मज। स्मज करने के लिए जो मैंने आईब्रोज जिससे बनाई थी एंगुलर ब्रश, इस तरह का ब्रश भी यूज में ले सकते हो, नहीं तो इस तरह का पतला ब्रश भी यूज में ले सकते हो, और थर्ड ऑप्शन भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर दोनों में से नहीं है तो इस तरह का स्मजर भी आप यूज में ले सकते हो। तीनों में से जो भी आपके पास है, बस आपको स्मज करना है हल्का हल्का। मैं यहाँ पे ये वाला ब्रश यूज़ में ले रही हूँ जिससे मैंने मेरी आईब्रोज बनाई थी एंड ये एंगुलर ब्रश है एंड इसे ही मैं यूज़ में ले रही हूँ स्मज करने के लिए। आपको हल्का हल्का स्मज करना है बस, जहां जहां काजल लगाया ना उसी के ऊपर। सो गाइज, आप देख सकते हो काजल को स्मज करने के बाद कितना अच्छा एक स्मोकी काजल लुक जो है वो दिखने लग गया है। एंड इसी तरह से मैं लोअर आईलिड्स पे भी काजल लगाने वाली हूँ और हल्का हल्का उसे भी स्मज करेंगे हम। वापस इसे स्मज करूंगी। तरह से बाहर भी थोड़ा विंग क्रिएट कर सकते हो ऐसे। सो गाइज, आप देख सकते हो मैंने लोअर आईलिड्स पे जो काजल लगाया था उसे भी अच्छे से स्मज कर दिया है। एंड अब मैं ये वाली आईज करके आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। मैंने दोनों आईज का जो मेकअप है वो कर दिया है, दोनों आईज पे जो स्मजिंग है काजल की वो मैंने कर दी है। सो फ्रेंड्स, मेरा जो आई मेकअप है वो यहाँ पे होता है कंप्लीट। एंड अब बारी आती है लिप्स की। लिप्स के लिए मैं पहले लिप लाइनर यूज में ले रही हूँ, ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर है रॉयल रेड कलर में। एंड अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैंने लैक्मे एब्सोल्यूट की ये क्रीम लिपस्टिक है जो कि एक ब्रिक रेड कलर जो होता है ना वैसा कलर है। एंड इस शेड का नाम है बॉम्बशेल रेड। अब मैं यहाँ पे यूज में लूंगी हाईलाइटर। हाईलाइटर के लिए मैं मास्टर क्रोम का ये हाईलाइटर यूज में ले रही हूँ। गाइज, अब लास्ट में मैं यूज में लेने वाली हूँ मेकअप फिक्सर जो कि है स्विस ब्यूटी का। फ्रेंड्स, दिस इज माय फाइनल लुक। आई होप ये मेकअप लुक आपको पसंद आया होगा। ये वाला आई मेकअप लुक, इसे आप स्मोकी आई मेकअप लुक भी कह सकते हैं या स्मज मेकअप लुक भी कह सकते हैं, बट है ना ये वाला जो मेकअप है ना आप कोई भी इंडियन आउटफिट पे आराम से क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अनारकली पहना है एंड इस पर बहुत सुंदर लग रहा है। साड़ीज पे भी बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपके घर पे कोई प्रोग्राम है एंड आपको कोई भी मेकअप लुक समझ में नहीं आ रहा, मतलब स्पेशली आईज मेकअप लुक, तो आप आराम से ये वाला जो है स्मज आई मेकअप लुक है क्रिएट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।